पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के हरियाणा और मैं हूं आपके साथ मुकेश बेनीवाल। आज की हम चुनावी चौपाल लेकर पहुंचे हैं डबाली खंड के गांव रामपुरा बिश्नोइया में। यहां के मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार रामपुरा बिश्नोइया गांव से वो कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को यहां से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। के माहौल है विधानसभा चुनाव लेके? माहौल तो यहाँ नहीं के अब तीन रिजल्ट को नहीं है पूरा आज हो तो बिरला आयो रिजल्ट तो 24 तारीख को आवे भी है नहीं एक आंकलन तो यहां होवे भी मतलब है आज के दिन तक आप सोचा भी किशो नेता अगर किशो थोड़ा सा टक्कर में किशो दे रहे नेता तो भाई मान तो ऊपर चलावा दी यार का मार लो इलाके मार लो किशो है केवी सिंह डॉक्टर है डॉक्टर केवी सिंह कारण क्या है डॉक्टर केवी सिंह आगे रहने का कारण तो देखो यहां नहीं कारण कई बार कई होवे कई बार कोई आदमी की कह दे कोई की कह दे कोई की कह दे तो बेंगे साहब माहौल बदल लीजिए माहौल बदल लीजिए हां डॉक्टर केवी सिंह ने ज्यादा हो गया तो कारण क्या हो गया कि बोली गलर है तो इसी बोली बोल की छोड़ोगे जो को भी माहौल डाउन नहीं है बा बताने माड़ी है राम जी राम राम। विधानसभा चुनाव लेके क्या माहौल लगा भाई जी? मौका की तो देखो कंडीशन बहुत बढ़िया है डॉक्टर केवी सिंह की हालात आई क्या भी केवी सिंह बहुत बढ़िया वोटों जीतता है वो कम से कम 50-60 हज़ार वोटों हाँ जी। कारण क्या है इतना ज्यादा वोटों जीतने को भी? केवी सिंह जी बिना सत्ता में आए बहुत बढ़िया काम करे है जो कि आम बंदो नहीं बांगी सुनवाई करी है बांगा काम पर्सनल भी करे है और गांव के प्रति मारा बहुत बढ़िया रुझान रहे बांगो तो हर गांव में वहाँ इसो सुधार ले है बे बिना सत्ता में आई भी वहाँ मोह प्यार तो अभी लोग चाहे अभी केवी सिंह होना चाहिए। हालांकि बीजेपी सरकार जो अपने आपने इतो की बंधन कष्ट देने लाग रही है अभी रोड पर कौन चाल सका आपको साधन ले गए तो बाँ खेड़ो छुटाने खातर तो सबसे बढ़िया सरकार अब कांग्रेस सरकार ही है जी। राम राम जी। क्या माहौल लगा विधानसभा चुनाव में? माहौल भाई साहब बता दियो जीतेगा जी बस भाई साहब बता दिए भाई मैं बता दिए भी आपका तो डॉक्टर साहब के डॉक्टर केवी सिंह जी जीतेगा। माहौल ठीक है जी वोटांगो किसी पार्टी को रुझान तो जी देखो जो अच्छो काम करा को रुझान तो बिंगो ही होगा जी बाकी आज तीन तो कहीं पार्टी आज तीन तो जो भी वादा करे कहीं पूरा करे को नहीं आगे जी करेगी तो बिंगो ही रुझान बन जाएगा जी बन की बना के देंगा वोट गेरांगा जद भी आगे की नहीं आज पहला के वोट पड़े को नहीं आज पहला भी तो वोट पड़े ही है बी टाइम में भी पार्टी जीती है। क्या माहौल चल है जी विधानसभा चुनाव में? मन तो जी कांग्रेस को ठीक लगे कांग्रेस ठीक हां जी हां। कारण क्या है कांग्रेस को ठीक? कारण एक तो मोटरसाइकिल आंगा चलान करे बगैर भा मंदा गिर रखे है बाकी स्कूलों बच्चा जगह पीछा मिले करता वह सारा बंद कर दिया। भारत विधानसभा ही है जी कांग्रेस जीतेगी अमित शाह जीतेगा गांव में पूरे वोटों जीत के जाएगा। कारण क्या अमित शाह का? अमित शाह का केवी सिंह डॉक्टर केवी सिंह का काम बहुत करेड़ है और हर एक आदमी का आधी रात काम आवे। विधानसभा चुनाव लेके क्या माहौल लगा जी? बहुत बढ़िया माहौल है जी किसी पार्टी आगे चले किसी दो नंबर हमने डबाड़ियों तो जी आदित्य देवीलाल है जी। कारण क्या आदित्य का? कारण जी मिलनसार आदमी है और खेती किसानी में जुड़ो है। क्या माहौल लगा तो विधानसभा चुनाव लेके? नजारा आ रहा है किसी पार्टी जीत का आसार लगा? जीत का आसार तो भाजपा जीतेगी कारण क्या है भाजपा की जीत? भाजपा को कारण है तो एक तो सारा को साथ है सारा को विकास है ठीक है कांग्रेस है इनेलो है जजपा है आंगो कारण एक वो है भी जगह आदमी के ना गया नहीं बिंकुंट में बढ़ गई बात करे गए ना तो आंगा कैंडिडेट वे बन पास ले जाएगा वे कहे मेरे घरे रहना चाहिए कुंट में मेरे साथ की बात होनी चाहिए आगे और साथ होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस जीतेगी फिर तो कांग्रेस का तो काम कर रहा है ज्यादा बहुत ज्यादा एक आम परेशानी है को मोटरसाइकिल लेके जाए तो गोरी वाले पकड़ ले डबल जे तो डबल ही पकड़ी जे 15 हज़ार को मोटरसाइकिल 25 हज़ार रुपया चलाना मोटरसाइकिल अरे जिमीदारा की हालात हो रही है कोई ट्रैक्टर लेके जाए भी चलान हो जाए बस अलग बात जमा डाउन आएंगी सरकार में जमा डाउन हो रहे हाँ बिल्कुल। विधानसभा चुनाव लेके क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो जी सानू तो केवी सिंह तो ही लगता है ज्यादा। कारण क्या है केवी सिंह को ज्यादा माहौल बनने का? इन्होंने कम कम करवाए नहीं जी कई कम करवाए हाँ जी हाँ अच्छा। बाकी ट्रैक्टर का भी टैक्स लाई जाते हैं मोदी सरकार कई मोटरसाइकिलों फड़ी जाते हैं
ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਅ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5300 ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਨਰਮਾ, ਹੁਣ 2500 ਤੇ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜੇ ਜੀ ਪੀ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇ, ਕੀ ਨਾ ਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਬੇ ਕੋਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿਆ ਚੱਲ ਬਈ, ਸਾਰੋ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਅਬ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਵੇ ਨਰਮਾ ਭਾਵ ਹੈ 5500 ਰੁਪਇਆ, 4800 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੋ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਵਧੀਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗਮ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਗਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਸਰ ਲੋਕ ਗਮ ਮੰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਰਾਮ ਰਾਮ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਚੱਲਤੀ ਰਹੇ, ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਘਾਤ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜੀ। ਤਨੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹੋਤੇ ਵੀ ਕੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਕਰ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਬ 2-4 ਪਾਰਟੀਆਂ 5-6 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਗੇਠਾ ਲਾਗੇ ਕਿੰਦੇ ਤੋ ਵੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਤੋ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਮਤਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਹੌਲ ਆਦਿੱਤਿਆ ਕੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੋ ਜੀ। ਤੋ ਮਾਰੇ ਗਾਮੂ ਪੂਰੋ ਮਾਹੌਲ ਆਦਿੱਤਿਆ ਕੋ ਚੱਲੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮ ਕਰੇ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੋ ਆਦਿੱਤਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਕਾ ਜੀ ਯਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੇਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਪਲੜੋ ਭਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੋ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਲਗਾ? ਯੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੋ। ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਹੈ? ਹਾਂ। ਚਾ ਥਾਰੋ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾ ਜੀ? ਮਾਹੌਲ ਮਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਨ ਸਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੌਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੁਵਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਾਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ। ਮੋਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲੇ? ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਢਾ ਲਗਾ ਕਿਸ ਚੱਲ ਲਗੀ ਅਜੇ ਆਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਟੂ ਆਏ ਆ 3 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਕਰੀ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਠਾ ਲਗਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਠਾ ਤੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨੰਨਾਂ ਹੀ ਆ ਅਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੁੰਦਨ ਬਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਮੋਕਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਾਰੀ ਕੋ ਠਾਕੋ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਚਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ੋਰ ਜਿੱਦੀ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗਾਮ ਮੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੂੰ ਖਾਗੜ ਲੈਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਗੜ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਠੀਕ ਖਾਗੜ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਰਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਤ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਆਦਿੱਤਿਆ ਚੌਟਾਲਾ ਗਿਓ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਲੜਕੋ ਹੋ ਗਿਓ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੇਸ ਕਰੇ
ਮਾਹੌਲ 24 ਤਾਰੀਖ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੀ 24 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਲੱਗ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈਏ ਕੋਈ ਕਮ ਕਮੀ ਕੰਮ 300 ਘਰ ਹੈ ਬਣੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਨ ਦੇ ਉਨਲੋ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਉ ਉਨਲੋ ਬਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਉ ਤੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ 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 ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮਾਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਕੌਣ ਕਰਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਨ ਦਿਆਂ ਵੋਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਪਰ ਗੇਰੂਗਾ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਪਰ ਗੇਰੂਗਾ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਪਰ ਦਿਆਂ ਤੋ ਪੜਿਆ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨੋਟਾਂ ਪਰ ਨੋਟਾਂ ਪਰ ਨਾ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਗੇਰ ਦੀਆਂ ਖੱਟਰ ਵਧੀਆ ਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਜਿਸੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੋ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਖਾਤਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬਰੀ ਬਾਤ ਹੈ तो रामपुरा बिश्नोइया गांव के मतदाताओं से हमने जाना कि कौन सी पार्टी यहाँ से विजयी होकर निकलेगी। तो हमें इस गांव के अंदर काफ़ी कसमकस देखने को मिली। बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य देवलाल और डॉक्टर केवी सिंह के बेटे अमित शाह जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हमें यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वैसे तो बीजेपी सरकार ने काम अच्छे किए हैं, जो चलान और जो फसलों के दाम अच्छे नहीं हैं उनसे कुछ लोगों के अंदर खपा जरूर है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर आने वाली 21 तारीख को यहाँ के मतदाता किसे अपना ज़्यादा समर्थन देते हैं। कैमरा सहयोगी सुनील जाखड़ के साथ मुकेश बेनीवाल के हरियाणा।